उनके दिल को कैसे सुकून मिले। हर बात अपने दिल पर ले लेती हैं गुड्डू और उनके बेटे, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं। आप तो मुझे किसी गांव की गवार समझ रहे थे, पर निकली आपके घर की फर्द। अरे मेरी मजाक करने की आदत है, तो मुझे समझी नहीं शायद। भाभी आप इतना लेट जाग रही हैं, सब खैरियत? हाँ, तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए भी नहीं और उनका फोन भी ऑफ है। ये तो काफी लेट हो गया, आप फैक्ट्री में फोन करें किसी को। अभी ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं जानता हूँ मेरे घर से वापस जाने पे भाईजान वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दलाल, मेरी वजह से खुद को क्यों परेशानी में डाल रही है? बीना भाभी, बेबो, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जानता हूँ आप पे पहले से ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तो काइंडली मुझे मेरी जिम्मेदारी हैंडल कर लेने दे। क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खुद भाईजान से बात कर लेने दें। दलाल वो तुम्हें बिना इसे बात करने दो। बेबो पता है ना आप क्या कह रही हैं? भाभी देखें, मैं जानता हूँ इस वक्त तो भाईजान आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तो इसलिए बेटर यही होगा कि मैं उनसे जाके खुद बात करूं और उनसे ये सब कुछ क्लियर आउट करूं। मुझे तो ये लगता है कि वक्त तो गुजरने, गुजरते वक्त के साथ शायद वो समझ। बट भाभी कुछ बातें बगैर बात किए हल नहीं की जाती हैं, तो प्लीज मुझे उनसे बात कर लेने दें। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे। अच्छा खाए ना थोड़ा सा। शर्फीन बुआ। जी जी गुड्डू साहब, क्या हुआ? खैर तो है? जी जुगनू है अपने कमरे में? नहीं, वो कहाँ टिकती है ज्यादा देर अपने कमरे में, गई हुई रोशनी के साथ बाजार। अच्छा खैर, ये मैगजीन्स है इसके लिए, तो इसके कमरे में रख दीजिएगा। जी अच्छा।
आपकी माँ बीमार है और सुबह से आपके बारे में बहुत बार पूछ चुकी है, कुछ होने का ख्याल कर लेते। और आमिर दी, अब मुझसे ये सब कुछ नहीं समझता। आप क्यों हल्का हो रही? आइए। खाना खा ले। आप भी खाना खा ले। आज जरा जल्दी तैयार हो जाओ, आज से फैक्ट्री में हिसाब किताब शुरू होगा। जी भाई। फजल भाभी कहाँ है? भाभी का तो पता नहीं। अच्छा जुगनू ऊपर है, मैं चला जाऊं? नहीं आप यहीं रुके, मैं उनको बुला के लाता हूं। अरे काशिफ, तुम खैरियत तो है? हाँ, तुम तो आई नहीं मिलने, मैंने सोचा मैं चला हूं। शुक्र है, किसी को तो फिक्र है नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? कपड़े सिए हैं तुम्हारे लिए। काशिफ तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसको पहन कर आऊँ? तुम एक सेकंड यहीं रुकना, ठीक है? मैं इसको पहन कर आ रही हूँ। प्यारी लग रही हो। अरे काशिफ तू, चलो आ जाओ कमरे में बैठ कर।
शर्फीन, शर्फीन। जी 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 बड़े साहब। जाइए गुड्डू को बुला लाइए। जी भाई। हाँ, आज जरा जल्दी तैयार हो जाओ। आज से फैक्ट्री में हिसाब किताब शुरू। जी भाई। अच्छा हाँ शर्फीन, वो नाश्ता बना दो प्लीज जल्दी से। जी जल्दी अभी बनाती हूँ। अरे नीली, सबर नहीं है ना तुम्हें बिल्कुल भी, सारा वक्त खाती हो। ये लो, लाई हूँ तुम्हारे लिए, उसको भी देना। अरे पीलू कहाँ गया, मैं तो यही था। पीलू, और इस ब्लू वाली का क्या नाम है? यही तो है नीली। आप? जी, I love birds. I'll just love their color. वो असल में ना गुड्डू लाता है मेरे लिए। उसको जब भी पैसे मिलते ना तो वो मेरे लिए कभी मैगजीन तो कभी परिंदे इस तरह की चीजें ला देता है। और जब से वो फैक्ट्री में काम करना शुरू हुआ है ना तो वो बगैर बताए ले आता है। वैसे आपको परिंदे पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ हमेशा के लिए आ गए? हाँ, मैं ही रहूंगा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई? बात सिर्फ मेरी होती भाईजान तो मैं आप लोग को हरगिज़ ज़हमत ना देता। क्या मतलब तलाल? आप लोग मेरी सजा मेरी होने वाली औलाद को ना दें। ज़ैनब खाना दे दो यार। ज़ैनब आवाज आ रही है? खाना गरम है, आप खुद निकाल लें। मैं खुद नहीं निकालूंगा, तुम दोगी। मैं थकी हुई हूं, आप खाना निकाल लेना। इतना सा काम करके थक गई तुम? मुझे ही देखो, सारा दिन काम करता हूं मैं। इसीलिए ना औरतों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। जरा सा काम करती हैं, दिमाग आसमान पे चढ़ जाता है। तो क्या छोड़ दूं? नहीं, छोड़ोगी क्यों? इतनी अच्छी नौकरी मिली है, करो आराम से। आप मुंह हाथ धो लें, मैं लाती हूँ खाना। पहले ही उठ जाती।
तो काफी ठीक हो गया है। आओ अमीर दिन आओ, मैं तुम्हें कब से याद कर रही थी। अपनी बेबू से भी मिलने नहीं आओगे क्या? आपको मेरी क्या जरूरत है बेबू? आपका ध्यान रखने वाले तो यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं। तुम समेत मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बहुत जरूरी। माँ कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं रख सकता। 10 साल इसी गलत फहमी में गुजर गए कि मेरी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी जरूरत हम सबको है भाईजान, आपको समझने की जरूरत है। और तुम्हें ये बात 10 साल में समझ आई कि तुम्हें हमारी जरूरत है। कुछ ऐसा ही समझ, वक्त सब कुछ सिखाते थे। लेकिन मेरा यकीन माने, मैंने हर वक्त हर पल आप लोग की कमी महसूस की है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई? बात सिर्फ मेरी होती भाईजान तो मैं आप लोग को हरगिज़ अहमियत ना देता। क्या मतलब तलाल, तुम क्या कहना चाहते हो? हामी, ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सजा मेरी होने वाली औलाद को ना दें। चाहता हूँ कि वो आप सब लोग के साए में पले। सारा माँ बनने वाली है। तुमने पहले ही बात क्यों नहीं बताई? मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस बार सिर्फ खुशियां बांटने आया हूं। तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? बेबू, मैं सबसे पहले भाईजान की रजामंदी शामिल करना चाहता था। भाईजान, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपनी औलाद को आप सबके बीच रहते हुए पाल सकता हूं? सालों बाद खुदा ने कोई खुशी की खबर दी है। इस घर के बच्चे, इस घर के बड़ों के साए तले ही पलेंगे। शुक्र है खुदा का, शुक्र। मुबारक हो तलाल, तुम तो शुभ रुस्तम निकले। पता नहीं मैं कितनी खुश हूं, तुम्हें बहुत बड़ी खुशी की खबर दी। मैं मिठाई बांटूंगी, मिठाई मंगवाओ, मैं मिठाई बांटूंगी। क्या हुआ आकाश? चलो यार जल्दी चलो, आ जाओ। क्या हुआ कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है? रोशनी गिर गई है, आओ मेरे साथ। कहां, कैसे? अरे सारे सवाल यहीं करोगी क्या? चलो जल्दी।
अशफाक साहब सब ठीक तो है ना? जी हाँ, फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो गया। हम एहतियातन जो है एक एक्सरे करवा लेते हैं और ये दवाएं मैंने कुछ तब्दील कर दी हैं, ये दीजिएगा इनको, और एक एहतियातन टेस्ट करवा लेते हैं, पता चले इनको कोई चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हाँ हाँ सब कह रही हो, बस आज घर में सुबह से तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। जब से इनको हमारी औलाद का पता चला है देखो तो फूले ही नहीं समा रही यार, बहुत खुश हैं। हाँ हाँ वाकई, और अब वो जिद लगाए बैठी हैं कि मैं बस जल्दी से तुम्हें लेकर आ रहा हूँ, तुम अपनी तैयारी पकड़ो। वाह बेबो, माशाल्लाह से आप तो चलने लगी। पोते के आने की खुशी में हम चलने तो क्या, दौड़ने भी लगेंगे। आज बहुत बड़ी खुशी मिली, इसलिए बेबो आपकी पसंद का और तलाल तुम्हारी पसंद का खाना बनाया मैंने, पर मीठा बनाना भी बाकी है। अच्छा किया, अच्छा किया, मुझे बिठा दो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रह करें आप लोग, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे पोते को हमारी गोद में आने दो, फिर देखना हमारी खुशी। अच्छा ये बताओ हमारी बहू कैसी है, उसका ख्याल रखते हो ना? जी जी बिल्कुल बेबू, मैं पूरी खैर खबर रखता हूँ उसकी। जाहिर है समझदार होगी, अपना ख्याल तो रखती होगी ना? नहीं एक्चुअली जॉब करती है ना, और उसका पहले भी एक मिसकैरेज हो चुका, इसलिए मैं चाहता था कि हम यहाँ आए और वीना भाभी आप उसका ख्याल रखें और मेरी औलाद आप लोग के साए में पले बढ़े। तुम परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूं। मैं किचन देख कर आती हूँ। तलाल जी भाभी, ये खाना अपने भाई को फैक्ट्री में दे आओ, पता नहीं ड्राइवर अभी तक क्यों नहीं आया, और वैसे भी तुम्हारे हालात तो अच्छे हो गए ना अपने भाई के साथ, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम जाओगे तो। जी अभी मैं दे आता हूँ, आप अपना ख्याल रखें ठीक है। जुगनू, क्या हुआ है काशिप? चलो यार जल्दी चलो, आ जाओ। क्या हुआ, कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है? रोशनी गिर गई है, आओ मेरे साथ। कहाँ, कैसे? अरे सारे सवाल यहीं करोगी क्या? चलो जल्दी, चलो जल्दी आओ। कहाँ लेकर जा रहे हो काशिप, रोशनी कहाँ है? यहाँ पे गिरी है, बहुत चोट लगी है उसको। कहाँ गिरी है?
का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया? ज़ैनब ने दिया है मुझे। अच्छा? उसको कहाँ से मिला? नौकरी लग गई है उसकी। बहुत अच्छी तनख्वाह है। सच्ची? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो। अच्छा जुगनू, अब तो फोन भी आ गया मेरे पास, तो अपना नंबर दे दो। शुक्र है फोन तो आया, वरना तुम्हें ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल था। देखो लिखो 03। मुझे बताओ। चांदनी रात वो जिसमें तेरा और मेरा
शहर डोली तेरी मेरी बारात हो, मैं खुशी में जग मगाऊं, झूमूं नाचूं और गुनगुनाऊं, सारे जग को मैं ये बताऊं तेरा हूँ मैं, तुझको ही चाहूं और कुछ ना मैं चाहूं, जहां से इतनी सी ही दुआ है खुदा से कि मैं नहीं जीना तेरे बिन, रंदी तारे गिन गिन छेती मिले करा दे रबा, कि मैं नहीं जीना तेरे बिन, रंदी तारे गिन गिन छेती मिले करा दे रबा। सारी तैयारी सारे तोहफे में तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी बदकिस्मती तो देखो अपने हाथों से कुछ भी नहीं ले सका, यहाँ तक कि तुम्हारा केक फाउल भी अपने हाथों से नहीं खिला सका। अली जैनब भाई जल्दी आओ, केक लेके आया हूं तुम लोगों के लिए। अली जल्दी आ जा बेटा, कहां रह गए, जल्दी आओ यार। जी भाई। कहां रह गए थे, ये देखो तुम्हारी पसंद का केक आया है, दोनों तुम्हारे नहीं है, एक तुम्हारी आप ही का है, ठीक है, कहां है वो, बुलाओ ना उसे। भाई वो आपने क्या क्या हुआ उसे भाई, आपने अपने कमरे में रो रही है। क्यों रो रही है भाई। अच्छा चलो तुम ये लो, मैं उसका वाला उसके कमरे में जाके दे देता हूँ, ठीक है। जैनब जैनब यार बहुत नखरे हो गए तुम्हारे ना, मैं किस तरह से बचा के लाया हूँ तुम्हारे लिए केक और तुम इस तरह से बैठी भी हो। है ना, ये पुलिस केस है, थाने भी जाना पड़ सकता है। अरे मेरी बहन के ऊपर जुल्म हुआ है, आप मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए काजी साहब, आप बता नहीं पा रहे ये सब कैसे हुआ, आप हमें ठीक तरह बताएंगे तो हम इलाज आसानी से कर सकेंगे। अरे आप इसके जख्मों का इलाज करें, आप उल्टा मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उन दोनों को भी तो बुला लो जिनके लिए इतना इत्तमाम किया गया है। बेबो जुगनू की सालगिरह आया। अच्छा ठीक है जी, बताएं क्या हुआ और कैसे हुआ। नहीं नहीं साहब, हमें कोई रिपोर्ट नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी। नहीं साहब, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे, हम तो गरीब हैं। हम आप पर्चा कटवाना चाहें या ना कटवाना चाहें, मामले की रिपोर्ट तो हमारे पास दर्ज होके रहेगी।